हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कारेगन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, आज ये डिज़ाइन, ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है और उन्होंने व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट किया है। तो इसका फ्रेंड मैंने स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगा, मैंने इसका ड्राफ्टिंग पैटर्न मैंने ए टू जेड दिखाऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को आइडिया दे दूंगा ताकि आप लोग इसे बहुत आसानी से इसे स्टिच कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, मैंने ये आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, मैक्सिमम 15 दिन हुआ है शायद, तो मैंने वो थोड़ा सा लेट हो गया है। ऐसा तो नहीं होता है जैसे कि आज आप दे देंगे कल हम अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए मैंने सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि पहले से ही सभी का रिक्वेस्ट होता है, धीरे धीरे कर रहा हूँ और साथ ही साथ जैसे कि चैनल में कुछ अलग से भी वीडियो देना पड़ता है, तो इसलिए हो नहीं पता, मगर कभी कभी हो जाता। तो चलिए, हो तो रहा है आज तो चलिए, ये बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा है, तो इसलिए मैंने ये दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे करना है क्या, ये आप लोग एक हॉल्टर जो नेक होता है ना, उसी तरह ही ये होता है। और इसे करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पेन एक बैक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बैक पार्ट में नहीं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को आप गौर से देखिए, देखिए इसके नीचे जैसे कि साइड वाला जो हाउस कोट की तरह जो ओवरलैपिंग जैसे कि शार्ट होता है, तो जैसे कि ये लगभग हाउस कोट की तरह ही ये होता है। और साथ ही साथ फ्रेंड, जो दो पार्ट में फ्रेंड प्रिंसेस कट क्या हुआ है ये देखिए, अगर आप चाहे जैसे कि सिंगल डार्ट यानी कि नीचे इस जगह में फ्रेंड आप एक डार्ट से भी आप लोग कर सकते हो। और जैसे कि फ्रेंड इसमें बहुत सारा मेजरमेंट भी चाहिए, आप लोग अगर ऑर्डरी वाला काम करें, रेडीमेड करें तो ठीक है, पैटर्न में जो आप करेंगे तो, मगर हम क्या करेंगे, वीडियो थोड़ा सा फ्रेंड बड़ा हो जाएगा, आप थोड़ा सा कष्ट करके आप देख लीजिए। मैंने इसमें बहुत सारा मेथड भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा ताकि किस तरीका से क्यों, किस लिए ये सब हो रहा है। जैसे कि ये हॉल्टर नेक, हाई नेक वाला जो हॉल्टर नेक, वो यानी कि अलग से कॉलर दिख रहा है मगर कॉलर अलग से नहीं लगा है, एक ही साथ लगा हुआ है। और कितना मेजरमेंट, किस तरीके से मेजरमेंट लेना है और नेक कटने के लिए जैसे कि हॉल्टर में क्या क्या ज़रूरी है, तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने ए टू जेड दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह एक कागज लेना है और जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूँ जो बेसिक वगैरह है वो आप लीजिए। और लेने के बाद फ्रेंड इसे इस तरीके से आप लोग रखेंगे, इस तरीके से जैसे मैं रख रहा हूँ। और फ्रेंड मैंने एक बात बता दूँ, मेजरमेंट हम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेजरमेंट अगर करने जाओ वीडियो बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और ये बैक पार्ट है तो फिर भी जितना हो सके हम बता देंगे क्योंकि हमारे पास तो बैक नेक में एक मेजरमेंट है और प्रिंसेस कार्ड भी आप लोग जानते हो। सिर्फ हमें डिज़ाइन अगर दिखा दूँ तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। और जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है और हमारा जितना सब्सक्राइबर है, आप लोग नेट में देखकर तो बहुत कुछ सीख चुके हैं चुके हो फ्रेंड आप लोग, तो मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं होगा मैंने जिस तरीके से मैं दिखाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हाउस कोट की तरह हमें करना है। तो उसके लिए जो कॉलर अलग से नहीं लगा है, और सबसे पहले आप लोग अगर ऑर्डर ही काम करें तो उसके लिए अगर रेडीमेड हो तो हम सबसे पहले अपना जो कॉलर होता है ना, मानिए हमारा जो नेक होता है, नेक का जो एक विथ होता है वो जैसे कि हमारा तो हाई नेक पैटर्न में यही है, तो इसे हम रखेंगे। और इस एक जगह में जो ओवरलैपिंग जो मैच होगा, इस जगह में मैक्सिमम जो डेप्थ है फ्रेंड, हम इस जगह में रखना चाहते हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं, चलो इस तरीके से थोड़ा सा शेप वगैरह आप लोग देखिए, हॉल्टर नेक में मटका से शेप भी बहुत लोग करते हैं, जैसे कि त्रिकोण जो नेक, स्वीट हार्ट, इसी तरह भी फ्रंट नेक अलग अलग आप लोग कर सकते हो, मगर इसमें इस तरीका से डिज़ाइन किया हुआ है इस जगह में ऐसे करके। और उसके बाद फ्रेंड हम सीधा इसे इसी तरह उठा देंगे और देखिए इस जगह में जितना गैपिंग है हम इस जगह में उतना ही गैपिंग रख रहा है, ठीक है फ्रेंड। और जैसे कि रख रहा है, अगर थोड़ा सा इधर भी देंगे तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, इसमें लॉजिक यही है, थोड़ा सा पास देंगे तो ये जो नेक हम लगाएंगे वो नेक थोड़ा सा उठा उठा रहेगा और वो हम नहीं दिखा रहे, आप इस तरीके से सीधा करें। जैसे कि मानिए हमारा नेक जिस जगह से उठा है उसी जगह से अब इसी तरह उठा लीजिए, 2.3 धागा, तो 2.3 धागा जैसा है सेम मैंने इस जगह में रखा है। और आप आता है फ्रेंड हमारा जो कॉलर होगा, कॉलर का हाइट कितना होगा, तो कॉलर का हाइट नेचुरली हम लोग रखना चाहते हैं
चलिए हम इसे देर इंस कर दूं मैं, ठीक है फ्रेंड। तो देर इंस अगर हम कर दूं तो ये देखिए इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि कॉलर करने के लिए हमें बकरम भी लगाना पड़ता है। तो बकरम हम जब लगाएंगे फ्रेंड तो ये जो पार्ट बनेगा, इस पार्ट में हम दूसरी और एक तरीका, जैसे कि इस जगह में सीम्स लेकर भी हम अलग से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैंने सिर्फ बेसिक दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और जो एडवांस लेवल में जो कुछ होता है वो सारे इस वीडियो में हो रहा है। देखिए इस जगह में जितना है इस जगह में भी हम उतना ही लेंगे देरिंग्स। और अब आता है फ्रेंड, जैसे कि इस जगह में हम कितना ऊंचा उठाएं, जैसे कि हॉल्टर नेक बहुत लोग करते हैं, उस वक्त बहुत लोगों को बहुत परेशानी होता है हम कितना उठा लूँ। और वो लोग क्या करते हैं, स्टिचिंग करने के बाद वो थोड़ा सा काट लेता है, और अगर शॉर्ट हो जाए जुड़ लेता है, यानी कि उन लोगों को लॉजिक पता नहीं कितना ऊंचा करना है। तो देखिए कितना ऊंचा करना है, मतलब देखिए इस जगह में जो आएगा मेजरमेंट यहाँ से ये हम तय करेंगे इसके ऊपर 4, और 4 से हम थोड़ा सा हाफ इंच, हम जैसे कि इस जगह में 2 कंध है, यानी कि यहाँ से एक पट और यहाँ से एक पट जुड़ेगा, उसके लिए हम हाफ इंच रखेंगे। तो 4.5 हम इस जगह में रखना चाहते हैं। तो जितना हमारा कागज है इस जगह, पेपर है, उतना ही हमें इस जगह में चाहिए। ये देखिए हम पूरा मिला दिया है इस जगह में, और उसके बाद हम चाहो तो जगह थोड़ा सा राउंड शेप भी हम कर सकते हैं इस जगह में, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद हम ओवरलैपिंग कितना कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड जो डिज़ाइन है, एक कुछ डिज़ाइन करने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है फ्रेंड। तो देखिए एक बात मैं बता दूँ, देखिए ये ओवरलैपिंग क्या है, जितना हमारा जो क्रॉस पॉइंट है दूसरी तरफ है, जो डार्ट जिस जगह में हम लोग देते हैं उतना ही लिया है, यानी कि ब्लाउज का जो विथ होता है उतना दूर वो लोग लिया है। शायद इसका विथ 4 होगा, तो वो ओवरलैपिंग जैसे कि 4 इंच अगर आप करें, ये देखिए जैसे कि 4 हम करें तो इस जगह में आ जाएगा जिस जगह में, तो हम चलिए 4 इंच हम कर देते हैं। ये देखिए 4 इंच हम इस तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ से जाएगा इतना। और एक बात बता दूँ, जैसे कि ये लाइन कितना करूँ, तो देखिए ये लाइन डिपेंड इस जगह में होता है, तो आप सिंपल से एक मेजरमेंट लेके करिए, नहीं तो ये वाला शेप एक सिमिलैरिटी होता है इसी तरह, ये इतना दूर आता है ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड। और जैसे कि ये मैक्सिमम होता है जो 4 इंच हमारा विड्थ होता है, उसके बाद इस जगह में सीम्स होता है इसी तरह। तो बस हमारा इस पार्ट को कटिंग तो हो गया है, और चलिए मैं चाहता हूँ पहले आप लोगों को थोड़ा सा कट करके दिखा दूँ, और नहीं तो एक ही साथ प्रिंसेस कट के अगर दिखा दूँ तो बाद में आप लोगों को, तो चलिए एक ही साथ दिखा दूँ फ्रेंड, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए क्या हो रहा है, अभी आप लोगों को दिख जाएगा एकदम क्लियर। तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, हमारा विथ करना है, जो क्रॉस विथ होता है वो 4 होता है। मानिए हमारा जो क्रॉस पॉइंट होता है, तो फ्रेंड एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस जगह में बॉडी से आप लोग मेजरमेंट लेंगे तो उसी जगह में आप रखेंगे इसे। और चलिए मैंने इसमें जो क्रॉस पॉइंट है फ्रेंड वो मैंने 9 रख रहा हूँ इस जगह में, 9 नहीं अब 8.5 करूँ मैं, ठीक है। ये जैसे कि ये 30 साइज का पैटर्न है हमारा, तो चलिए हम 8.5 कर रहा हूँ इस जगह में, इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ, विथ इतना ले रहा हूँ। और उसके बाद जो होता है हमारा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, हम इस जगह से हम ले लेंगे, चलिए 1 पॉइंट ले लेते हैं प्रिंसेस लाइन का, और इधर से 1 पॉइंट इतना ले, ठीक है फ्रेंड। और साथ ही साथ जैसे कि इस जगह में अगर हम देर इंस करूँ तो यहाँ से इतना आता है, और इस जगह में जो देर इंस होता है यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, आप लोग स्केल से करेंगे इस जगह में। और देखिए अब सवाल होता है, जैसे कि हम लोग प्रिंसेस करता है देर इंस इधर गया है, तो देर इंस इधर भी देना है हमें, और उसके बाद जो देर इंस इधर गया है इधर भी हमें, ये देखिए इधर भी हमें देर इंस इधर देनी है इस जगह में, ऐसे करके इस जगह में हम लेंगे। और एक बात पता दो फ्रेंड, इसमें एक्स्ट्रा हाफ इंच नहीं लेना है, क्योंकि जब मैंने बढ़ाया इस जगह में तो हाफ इंच मैंने ले लिया था, तो इसलिए हम दोबारा हम नहीं लेंगे। और जैसे कि ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो जानते हैं जैसे कि प्रिंसेस कट करना, ये है आसान तरीका। जैसे कि कागज़ को आप लोग इसी तरह करेंगे, और उसके बाद जैसे कि जितना बढ़ेगा उसी तरीका से सीधा करके आप लाइन दे देंगे,
कितना बड़ा है ये देखिए, इतना बढ़ गया है इस जगह में, और ये पार्ट भी इतना बढ़ गया है, और ये पार्ट जैसे कि हो जाएगा यहाँ से भी राइट साइड में हम देर इंच ले लेंगे। चलिए इस तरीका से, और किसी को अगर पता ना हो ये किस तरीका से क्यों कर रहा हो, आप हमारे चैनल में प्रिंसेस कट जो ब्लाउज है फ्रेंड एक बार उसे आप देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है, और आप लोगों को मैंने बताया था फ्रेंड जो नॉर्मल वाइज के बारे में एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए इसलिए मैंने कट नहीं किया है, अगर कट करता तो ये नीचे वाला हिस्सा दोबारा हमें ड्रॉ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए मैंने ये फोर। और देखिए हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट हम इस जगह से ही पकड़ेंगे, ये सब हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, ये इसके कोई ज़रूरी हमें नहीं है। तो देखिए फोर, और उसके बाद जो बैक में आ रहा है तो 8.25, तो 8 16 16 एंड हाफ। और देखिए हम फ्रंट में कितना आ रहा है, हम ज़रा देखो फ्रंट में कितना आ रहा है, तो देखिए फ्रंट में आएगा चलिए 9 9 9 18 18 से थोड़ा सा ज़्यादा 34 और हाफ नीचे है 35 36 इस जगह में आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये टेप से अगर हम दिखाऊँ तो देखिए इस जगह में 9.75 एक्चुअल मेजरमेंट इस जगह में आ रहा है। तो हम अगर कैलकुलेशन किया जाए तो देखिए 30 साइज में क्या होता है, हाई वास्ट होता है फ्रेंड हमारा 34 होता है और नॉर्मल वास्ट 36 होता है, तो आ ही गया है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए प्रिंसेस कट करने का ये एक तरीका है, और उसके बाद जैसे कि दोनों पार्ट कट करके अलग से हम शेप दिखा देंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड जैसे कि प्रिंसेस कट हम लोग और एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये वाला हिस्सा हमारे चैनल में मैंने दिया है फ्रेंड किस तरीके से करना है। जैसे कि मानिए ये इस तरह, ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने ये लाइन मिडिल से इधर डार्ट के लिए लिया, इधर लिया, और इसके मैंने एक ही तरफ यानी कि 3 इंच फ्रेंड हम एक ही तरफ ले सकते हैं। और दूसरा और एक तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड हम इस तरीके से इधर 1.5 इंच मैंने यानी कि 1.5 लिया है, इधर 1.5 लिया है, और वो दोनों का जो मेजरमेंट है हम इस तरफ नहीं लेंगे, मगर कट मैंने इस तरफ किया है, मगर 3 इंच इस तरफ लेंगे, राइट की तरफ हम लेंगे। वो तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही बता दिया है आप लोग। तो चलिए इतना दूर आप लोगों को समझ में आ ही गया है, और उसके बाद हमें इसे क्या करना है फ्रेंड, हमें इसे कट करना है। तो चलिए हम इसे एक पार्ट को कट करेंगे, ऐसे करके हम इसे कट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, फ्रंट मैंने शेप नहीं दिया है इसमें। ठीक है, आप लोग फ्रंट शेप भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये बना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट में ये दो पार्ट को हम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला हिस्सा, ये सही हुआ कि गलत हुआ बाद में शॉर्टिंग करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये है जैसे, और उसके बाद हमें जैसे कि हमेशा की तरह हमें सीम्स लेना है, इसी तरह मैंने किया है। और देखिए मैंने इस जगह में जो शेप दिया है, कुछ बातें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस जगह में करने के लिए आप लोगों को एक अगर कप हो आपके पास तो वो आप इसी तरह बिठा देंगे, राउंड शेप वाला कुछ भी हो, जैसे कि इस जगह में कुछ बिठाना है राउंड शेप वाला, वो जैसे बिठा देंगे तो जैसे कि इस जगह का शेप वैसा ही वो आ जाएगा, ज़्यादा ऊँचा नहीं करना है। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को अगर ज़्यादा जानना है, हमारे प्रिंसेस कट वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, प्रिंसेस कट प्रशांत का लिखिए, वो वीडियो आ जाएगा। और ये देखिए उसके बाद हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, दोबारा हमें मेहनत करना ना पड़े इसलिए मैंने इसका एक मेजरमेंट ले रहा हूँ।
कितना है 11 इंच है, यानी कि 11 इंच इस जगह में है, तो हमें चाहिए 11 इंच चाहिए। देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे फर्स्ट में बेसिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट होता है हमेशा इस तरफ, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो हम इस पार्ट के साथ इस पार्ट हम मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड। और साथ ही साथ एक बात और एक आप लोगों को करना है, जैसा है इस जगह को एक कट करना है फ्रेंड, इस जगह को और इस जगह को कट करना है। ये क्या है, तो ये है हमारा जैसे कि जिस जगह में ओवर लैपिंग होगा फ्रेंड, वो मिडिल वाला पोजिशन है इस जगह में, और ये जो ड्रेस है इसमें इनविजिबल टाइप आप लोग स्टिच करेंगे, हम स्टिच का नॉलेज हम दे देंगे थोड़ी देर बाद, हम दे देंगे आप लोगों को। तो देखिए फिर ये इस तरीके से हम इसे कट करेंगे, तो चलिए एक ही साथ दो पार्ट कट कर लो तो इसमें आसान हो जाएगा। तो इसके नीचे एक पार्ट दिया जाए और इसके नीचे और एक पार्ट दिया जाए, तो एक ही साथ हमारे दो पीसेस चाहिए, तो कट हो जाएगा एक ही साथ। फिर मैंने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आर्म होल का शेप नहीं दिया है फ्रंट में, आप लोग दे सकते हो जगह में, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा दो पार्ट कटिंग हो गया है, ये है टू पीसेस और ये रहा हमारा टू पीसेस, और हमारा बैक पार्ट किधर गया, ये रहा हमारा बैक पार्ट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैं मैच करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और हमेशा मैं बोलता हूँ फ्रेंड जैसे कि शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग अगर किसी को ना पता हो तो हमारा चैनल में देखिए, जैसे कि शॉर्टिंग का मैंने एक वीडियो डाला है, जैसे कि प्रिंसेस कट शॉर्टिंग होता है, यानी कि पैटर्न हम लोग जो करते हैं, जो पैटर्न मास्टर है, तो पैटर्न कटने के बाद क्या होता है, एक बार शॉर्टिंग आप लोग ज़रूर करिएगा, तो उसमें क्या होगा, आपका पैटर्न कोई इधर उधर हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो आप उस जगह में सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पैटर्न, और उसके बाद ये देखिए हमारा ये हिस्सा है फ्रेंड, मिडिल वाला पोजिशन है, और ये इसी तरह ही है, और किस तरीके से बनेगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। देखिए जैसे कि ये सीधा लाइन हमारा था इस जगह में फ्रेंड, और ये वाला हिस्सा भी सीधा हो गया है, और जैसे ये इस तरफ आएगा, ये देखिए ये सीधा हो गया है इस जगह में, और ये ऊपर में उड़ जाए, यानी कि लॉजिक में बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जैसे कि बहुत लोगों को अगर मन में कन्फ्यूजन हो इस जगह में थोड़ा सा कर्व हुआ है तो मैच होगा कि नहीं, तो ये देखिए इसका लॉजिक इस तरीके से है, ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड, ऐसे नीचे में दिखा रहा हूँ। और इसके बाद फ्रेंड जो और एक इस तरफ का जो पार्ट है वो इतना दूर से ओवरलैपिंग होगा, जैसे मेजरमेंट हमारा जो जिस जगह में हम लोग दिया है, तो उसी तरीका से ये मेजरमेंट इस जगह में आ जाए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और अब आता है फ्रेंड जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जिस जगह में हम लोग ओवरलैपिंग करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इस जगह में जैसे बैक पार्ट था उस जगह में, तो उसी तरह हम लोग इस जगह में कट कर लेंगे, ऐसे करके एक पॉइंट, और इधर भी एक पॉइंट इस जगह में हो, ठीक है। और शॉर्टिंग हम किस तरीके से करेंगे फ्रेंड, शॉर्टिंग हम करेंगे इस तरीके से, ये वाला हिस्सा और ये हम मिलाएंगे, तो देखिए ये शॉर्ट हो गया है इस जगह में, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह इसके लिए फ्रेंड शॉर्टिंग करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह में थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस जगह में, इस पार्ट को, जैसे कि हम दोबारा जब कट करेंगे फ्रेंड इस पार्ट को, इसी तरह हम करेंगे ऐसे करके, बस हो जाएगा बड़ा।
तो जैसे वो हो जाएगा उसके साथ सेटअप हो जाएगा, और एक बार आप इसी तरह चेक कर लेंगे कि आपका पैटर्न सही हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए इस जगह में भी ये थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है इस जगह में, तो आप इसे भी बड़ा करना है, और इस जगह में भी ये सब इसी तरह ठीक ठाक करना पड़ता है इसी तरह। चलिए ऊपर में थोड़ा सा बड़ा हुआ है इस जगह में भी देंगे हम, और इस जगह में ठीक है, और ये रहा आपका मिडिल। तो अब हम क्या करेंगे फिर इस जगह में जो मैंने हम लोग जो डेरिस मैंने एक्स्ट्रा लिया है इस जगह में वो कैलकुलेशन करेंगे ठीक है फिर। जैसे कि ये वाला हमारा बॉडी का नेचुरल जो हिस्सा है वो ठीक है, मगर हम लोग क्या करेंगे इस जगह में जो शेप हमने इस जगह में बढ़ाया था तो वो हमें कैलकुलेशन करना है, वो देर इंच इधर गया है। तो चलिए हम देर इंच हम इस तरीके से हम पकड़ेंगे ये पार्ट को, इसी तरह चले आएंगे इस तरह ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद देखिए ये देखिए ये परफेक्ट हुआ है। तो मैंने अभी जैसे कि आप लोगों को बोला था जैसे कि फ्रेंड ये मिडिल, तो डार्ट के लिए जो देर इंच मैंने लिया था वो इसके अंदर लेफ्ट की ओर था, तो वो मैं इस तरफ डॉट पॉइंट हम इस तरफ कर देंगे तो वो पॉइंट इधर चले आएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसके बाद इस जगह में जो बात होता है वो नेचुरली इसके साथ ये देखिए ऑटोमेटिकली वो सीधा हो जा रहा है ठीक है फ्रेंड, क्लियर इस जगह को। और उसके बाद हमें देखना है ये दो वाला जो पार्ट होता है ये देखिए वो चेकिंग हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम इसे चेकिंग करेंगे। ये देखिए ये, और चलिए मैं थोड़ा सा मिला दूं इसे। ये देखिए जिस तरीका से इस जगह में है उसी तरीका से इस जगह में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा इस जगह में। और गले हम लोग जितना चाहते हैं तो गले हम उसी तरीका से करेंगे इस जगह में, और हम लोग अगर चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं तो बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं, मगर ध्यान में रहे फ्रेंड हम लोग कट किया है जिस जगह में मिडिल पकड़ के, तो उसी तरीका से हम लोगों को गला होगा। ये देखिए ये वाला और एक हिस्सा है, जैसे कि ये ओवरलैपिंग हो जाएगा ये गला ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा उसी तरह। चलिए मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर करके, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है इसमें। तो चलिए सबसे पहले इसे फिक्स कर दो, इसे ऐसे कर दो ऐसे ठीक है, क्लियर दिख रहा है फ्रेंड। नेक किस तरीके से हम लोग किया है एकदम आ रहा है इस जगह में, ये देखिए जैसे वो शेप आ जाएगा वो इसी तरह ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा ऐसे करके ठीक है, ऐसे करके वो सेटअप हो जाएगा नेक ऐसे ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड जैसे कि वो प्रिंसेस कट वाला जैसे हिस्सा, तो इस जगह से ये पार्ट थोड़ा सा इस तरफ हटेगा, इस तरफ ऐसे करके इस तरफ हटेगा, और ये रहा इधर से भी सिम चले जाएगा और इधर से भी ये सिम चले जाएगा ठीक है, क्लियर दिख रहा है। और गले नेक आप लोगों को पता चल रहा है किस तरीके से ये नेक बना है इसी तरह। और एक बात फिर आप लोगों को मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, तो ये देखिए जो नेक का जो हिस्सा है ठीक है फिर, तो नेक का जो हिस्सा है तो नेक अगर आप लोग बड़ा करना चाहते हैं तो फिर देखिए ये ऐसा करेंगे, ये देखिए तो ये ठीक ठाक है कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर इतना छोटा नेक मार्केट में नहीं चलता है। तो आप लोगों को उसके लिए क्या क्या करना है फ्रेंड, जो इस जगह में जो हमने डाउन किया है वो जगह डाउन थोड़ा सा और आप लोग कर देंगे, ये देखिए ऐसे मैंने किया है ना, तो उसे नेक को आप लोग अगर बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए आप इस तरीके से बढ़ा देंगे ऐसे करके ठीक है, अब बढ़ सकते हो ऐसे करके इस जगह में, जो सही लगे आप लोग करो, मैं मेन जो प्रोसीड्यूर है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए आप नेक कितना बड़ा हो जाएगा ये देखिए, और ध्यान मेरा है ये है हमारा बैक पार्ट ठीक है फिर, तो ये रहा बैक पार्ट, और बैक पार्ट के साथ इधर फोल्ड करेंगे ये ठीक ठाक है चलो। और उसके बाद ये रहा हिस्सा, और ये रहा गले का हिस्सा, देखिए गला कितना बड़ा हो गया है अब ठीक है फिर। देखा
इसी तरह ही ये डिज़ाइन है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए इस तरीका से ही इस जगह में क्या हुआ है, ये रहा एकदम सिंपल से प्रोसीड्यूर है। और आप चाहे फ्रेंड इस जगह में इतना झंझट मत ले लीजिए, आप सिंपल सब जैसा बॉडी है उसी तरह रखिए, सिर्फ नीचे एक डार्ट दे दीजिए। तो उसके लिए क्या है, जैसा हमारा बॉडी इस तरह फिक्स रहेगा, नीचे सिर्फ डार्ट ले लेंगे और साइड में थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बस हो जाएगा। और ये स्टिचिंग में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ किस तरीका से करना होगा आप लोगों को। तो फ्रेंड इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इस पार्ट के साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद जैसे कि और एक पार्ट आप लोग करेंगे, जैसे कि कॉलर में क्या होता है, इनविजिबल एक टेक्निक होता है, आप लोग अगर ना जाने तो हल्टन नेक हमारा चैनल में है, वो देखिए एक बार, उसमें पता चल जाएगा। और साथ ही साथ क्या है इसमें, जैसे कि आप लोग जैसे कि इसमें पैडेट वगैरह नहीं लगा है, आप लोग पैडेट भी लगा सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हाईनेक है। और साथ ही साथ जैसे कि जो बैक पार्ट होगा ना, तो बैक पार्ट इस तरीके से इसके जगह में लगा होगा नीचे, और साथ ही साथ ये जो पार्ट है इसके नीचे एक बकरम हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉलर के साथ फ्रंट की ओर। इसमें क्या होता है, जो फ्रंट की ओर जब हम करेंगे तो कपड़ा जब हम कटेंगे फ्रेंड, तो इस जगह में थोड़ा सा सीम सब लोग ले लेंगे, क्योंकि इस जगह में आप लोग चाहते हो, जैसे कि आप लोग चाहते हैं चलो हम लोग पैटर्न जब कटूँ तो इस तरफ हम सीम्स लेके कटूँ, तो वो तरीके अलग है, आप ध्यान में रहे। मगर मैंने सोचा है चलो बाद में इस जगह में सीम्स हम ले लेंगे, और अगर ना लेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं है। जैसे कि इस जगह में जो कॉलर किया है वो ऊपर से हाफ इंच थोड़ा सा कम हो जाएगा, नीचे से भी हाफ इंच कम हो जाएगा, तो उसमें जैसे कि कलर थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरे को बोल रहा हूँ फिर जैसा है आप इसके ऊपर दोबारा कोई अलग से पैटर्न बना लीजिए, उस वक्त वो पैटर्न कपड़ा का बनाइए थोड़ा सा बढ़ा के, और जो बकरम वाला पैटर्न है यहाँ से आप काट कर लीजिए, और एक अलग से पैटर्न वो हो जाएगा एकदम राउंड शेप वाला, वो पैटर्न एकदम हो जाएगा। और इस जगह में फर्स्ट जुड़ लेंगे आप लोग, और जुड़ने के बाद क्या है, इस जगह में जो बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट इसी तरह हम लोग इस जगह में इसके साथ हम मिला देते हैं, ये देखिए इसी तरह इसके साथ मिल जाएगा ऐसे करके, जैसे इसका पोर्ट उसी तरह ही है। और जैसे कि हमारा बैक पार्ट ये सिंगल साइड है, जैसे कि बोथ करेंगे तो इस जगह में कॉलर हम लोग जिस तरीके से लगाते हैं उसी तरीके से इस जगह में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे। और फ्रेंड इसमें और एक बात बता दूं फ्रेंड, जो पार्ट ओवरलैपिंग हुआ है ना, तो ओवरलैपिंग फ्रेंड ऊपर वाला जो हिस्सा है, जैसे कि हम लोग बटन होल करते हैं तो ऊपर पार्ट में छेद किया हुआ है, और जैसे कि शर्ट का जो बटन होता है तो उसी तरह है, मगर नीचे वाला हिस्सा इस पार्ट में भी नीचे वाला बटन लगा हुआ है, और जैसे कि शर्ट में होता है उसी तरह ही है। और फ्रेंड जो इस वाला जो पार्ट है ना, तो इसमें भी वो अलग तरीके से देखिए बटन इसमें लगाया है, तो इसमें भी आप नीचे से जैसे कि छेद अगर हो तो नीचे से भी बटन लगा के ऊपर आप उठा सकते हो, बस वही तरीका है। और फ्रेंड हमारा चैनल में ये जो ब्लाउज का चैनल है, इसलिए इसमें हम स्टिचिंग डालेंगे, ठीक है, और हमारा जैसे कि कुछ दिन बाद इस चैनल में हम डालेंगे, जैसे कि बहुत सारा डिज़ाइन हम दिखाएंगे, उस बार सिर्फ डिज़ाइन होगा, और किस तरीका से, और स्टिचिंग का भी बहुत अलग अलग टेक्निक होता है, वो हम उस वक्त दिखा देंगे। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग जानते हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है और इतना सब्सक्राइबर है, तो आप लोग सभी जानते हैं किस तरीके से हॉल्टर नेक हम करते हैं, हाईनेक वाला जो हॉल्टर नेक, तो मेरे ख्याल से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट्स में आप लिखिए, तो हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर पूरा नहीं हो सके तो हम इसी तरह तैयार करके कॉलर के जगह हम दिखा देंगे सिर्फ। तो चलिए इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलना है, आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।